हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने गॉस लॉ के बारे में स्टडी किया था। अगर किसी क्लोज सरफेस में चार्ज इनक्लोज होता है तो फ्लक्स कितना बनता है, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ इप्सिलॉन ज़ीरो, क्यू डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन ज़ीरो। ये हमने स्टडी किया था गॉस लॉ में। अब नया टॉपिक हमने सीखना है। तब हमने सिंगल चार्ज के बारे में पॉजिटिव चार्ज लिया था, नेगेटिव चार्ज लिया था, वो हमने टॉपिक स्टडी किया। अब नया टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कौन सा टॉपिक स्टडी करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है उसका हम डेफिनेशन देखो। यहाँ लिखा है डाइपोल मीन्स दो पोल, जैसे अर्थ को दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ अपोजिट रहते हैं और कुछ डिस्टेंस सेपरेट रहते हैं, वैसे ही चार्ज में भी दो पोल होंगे, एक होगा पॉजिटिव एक होगा निगेटिव। और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट सिस्टम फाइनाइट डिस्टेंस इज नोन एज अ डाइपोल। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, क्या कहेंगे? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज चार्ज कैसे इक्वल एंड अपोजिट मीन्स एक पॉजिटिव क्यों होगा तो दूसरा निगेटिव क्यों, दोनों भी इक्वल चार्ज होंगे लेकिन अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। To equal and opposite charge separated by finite distance is known as a electric dipole. अब अगर हम दो चार्ज लेते हैं, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है और एक है निगेटिव, एक निगेटिव चार्ज है और दूसरा हमारा पॉजिटिव चार्ज है, सो ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, प्लेस एट पॉइंट ए एंड बी, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम कहेंगे 2L, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? 2L, 2 के टर्म में लेते हैं। सो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दोनों भी चार्ज देखो, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस को हम 2L से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं? 2L से। सो दिस इज नोन एज अ डाइपोल। ये हो गया हमारा डाइपोल। अब डाइपोल के बारे में थोड़ा और जानते हैं, डाइपोल की और सारी क्वांटिटीज जानते हैं। ओके, पहला पॉइंट है हमारा डाइपोल एक्सिस। पहला पॉइंट क्या है हमारा? डाइपोल एक्सिस, फर्स्ट डाइपोल एक्सिस। सिंपल डेफिनेशन, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज नोन एज अ डाइपोल एक्सिस। ओके, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दो चार्ज को जॉइन करने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? डाइपोल एक्सिस। तो ऊपर वाले डायग्राम में डाइपोल एक्सिस क्या होगा? ए बी। दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है? ए बी। सो ए बी लाइन इज नोन एज अ डाइपोल एक्सिस, ए बी लाइन इज नोन एज अ डाइपोल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आते हैं, ये समझ में आ गया डाइपोल एक्सिस। एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। अब डाइपोल एक्सिस हो गया, अब एक्सियल लाइन पे आते हैं, ठीक है? लाइन पासिंग थ्रू डाइपोल एक्सिस, ओके, क्या है? लाइन पासिंग थ्रू डाइपोल एक्सिस। तो अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो डाइपोल एक्सिस से पास होगा, जो डाइपोल एक्सिस से पास होगा। तो डाइपोल एक्सिस से पास होने वाला लाइन, ये जो हमारा लाइन है एक्स वाई, एक्स वाई लाइन क्या होगा हमारा?
एक्स वाई लाइन हमारा होगा एक्सियल लाइन, और ए बी लाइन हमारा क्या होगा? डायपोल एक्सिस। ए बी लाइन क्या होगा? डायपोल एक्सिस। दो चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन डायपोल एक्सिस। दो चार्ज से पास होने वाला या डायपोल एक्सिस से पास होने वाला लाइन एक्सियल लाइन। क्या होता है? एक्सियल लाइन। ये समझ में आ गया दो टर्म। अब आते इक्वेटोरियल लाइन, थर्ड इक्वेटर और इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, अब इक्वेटोरियल लाइन के लिए हम पहले ना डायपोल का सेंटर ले लेते हैं। सपोज दिस इज सेंटर ऑफ डायपोल, ये है डायपोल का सेंटर। तो यहाँ से डिस्टेंस ओ अगर डायपोल का सेंटर है तो ये डिस्टेंस एल रहेगा, ये डिस्टेंस एल रहेगा। सेंटर से निगेटिव चार्ज तक का डिस्टेंस एल, सेंटर से पॉजिटिव चार्ज तक का डिस्टेंस एल, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये सेंटर एल, सेंटर ओ। सो हम इक्वेटर लाइन कैसे कहेंगे? लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल एंड परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन, टू एक्सियल लाइन। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल से पास होने वाली लाइन कैसे पास होगी? परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन को क्या होनी चाहिए? ये परपेंडिकुलर, ये लाइन। अब इसको नाम देंगे हम MN। ये लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर रही है। ऐसे लाइन को हम क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन हमारा MN। तो लाइन वाले कंसेप्ट समझ में आ गए। पहला था डायपोल एक्सिस, दो चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन एक्सियल लाइन, लाइन पासिंग थ्रू द डायपोल एक्सिस एंड थर्ड इक्वेटोरियल लाइन, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन इज नोन एज अ डायपोल एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है? अब नया कंसेप्ट, इसमें ही एक नया टॉपिक देखते हैं, डायपोल मूवमेंट। कौन सा टॉपिक है? डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट। अब डायपोल मूवमेंट होता क्या है? सो ये स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल जिस क्वांटिटी से मेजर किया जाता है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज अ डायपोल मूवमेंट। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल ये क्या बताता है? डायपोल मूवमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, डायपोल का स्ट्रेंथ कितना है ये बताने वाली क्वांटिटी क्या है? डायपोल मूवमेंट। ये बताने वाली क्वांटिटी है डायपोल मूवमेंट। सो डायपोल मूवमेंट हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। ये होता क्या है? ये होता क्या है? इट इज नथिंग बट चार्ज, वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ओके, डायपोल है ना, डायपोल में क्या होता है? दो चार्जेस और उसके बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 2L। सो मैग्नेट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज अ डायपोल मोमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट होता क्या है? डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस से हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। अगर इसको लिखने जाए तो डायपोल मोमेंट को इंडिकेट किया जाता है पी से। सो पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, पी इंटू, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है?
वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स हम इसको वेक्टर साइन दे सकते हैं। अब अगर ये वेक्टर है तो इसको डायरेक्शन भी होगा, तो इसका डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट्स, डायरेक्शन क्या होता है इसका, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मीन्स यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो ये पी का डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। देन यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट होगा, चार्ज का यूनिट कूलोम, और डिस्टेंस का और लेंथ का मीटर, तो ये होता है कूलोम मीटर। ये क्या होता है, कूलोम मीटर। अगर आप इसको अच्छे से नहीं लिखोगे तो ये सेंटीमीटर नज़र आएगा, तो सी कैपिटल एम स्मॉल, सी कैपिटल एम स्मॉल। और दूसरा यूनिट है डीबे, और डीबे ये यूनिट है, कूलोम मीटर और डीबे। अब कूलोम मीटर डीबे इनमें रिलेशन है, 1 dB इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻³⁰ कूलोम मीटर, ये रिलेशन है, ठीक है। 1 dB इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻³⁰ कूलोम मीटर, ये समझ में आ गया। डाइपोल मोमेंट होता क्या है, डाइपोल मोमेंट इंडिकेट करता है हमें स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल कितना पावरफुल है, इसका स्ट्रेंथ हमें डाइपोल मोमेंट से पता चलता है। सो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली फाइंड कैसे किया जाता है, डाइपोल मोमेंट होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सो ये पी इंटू क्यू इंटू 12, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसका यूनिट होता है कूलोम मीटर, और इसको दूसरा यूनिट होता है डीबे, एंड 1 dB इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻³⁰ किलोमीटर, ये हो गए। नहीं, क्योंकि ये नए टॉपिक है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आगे इसका 12th में भी यूज़ है और आगे वाले डेरिवेशन में भी इसका यूज़ है। ओके, अब ये हो गया हमारा डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कपल, इस पे आते हैं कपल, ये कपल थोड़ा अलग है, ये डाइपोल वाला कपल है। सो कपल क्या कहता है हमें, कपल एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कपल एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कपल एक्ट कर रहा है। अब ये कपल है क्या, चलो पहला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। कंसीडर डाइपोल, कंसीडर डाइपोल ए बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डाइपोल में कितना डिस्टेंस होता है 2L, placed in an external electric field E, placed in external electric field E, theta is angle between theta is angle between dipole moment and E, dipole moment and E, ये समझ में आ गया। चलो तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते जो हमने लिखा है उसके ऊपर। कंसीडर अ डाइपोल, कंसीडर अ डाइपोल, ये होगा हमारा नेगेटिव चार्ज और एक होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज,
प्लस क्यू सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस कितना होगा हमारा 2L, फाइनाइट डिस्टेंस 2L। प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये होगा हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, और एंगल है इसमें हमारा थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना है थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी किया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और निगेटिव पे एंड होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और निगेटिव पे एंड होती है। तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को निगेटिव साइड अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होंगे, इसके ऊपर क्या अप्लाई होंगे, फोर्स अप्लाई होंगे। तो डाइपोल ए बी के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स हो रहा है। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहे होंगे। अब फोर्स कौन से अप्लाई होंगे, फोर्स का फॉर्मूला कूलम फोर्स एफ इज इक्वल टू 1/4πε₀ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q0 अपॉन आर स्क्वेयर। ये भी फॉर्मूला स्टडी किया था, ये फोर्स अप्लाई होगा लेकिन इसको अलग फॉर्म में लगते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε₀ Q अपॉन आर स्क्वेयर ये स्टडी किया था हमने। और दोनों में रिलेशन क्या है, देन एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वैल्यू क्या होगा E, और बचा क्या चार्ज, सो एफ इज इक्वल टू Q इंटू ई। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ फोर्स अप्लाई होगा एफ इज इक्वल टू प्लस Q इंटू ई, और यहाँ फोर्स अप्लाई होगा एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। तो ये समझ में आ गया, दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं अब, प्लस और माइनस। सो अब लिख लेते हैं हम थोड़ा बहुत, कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं एट पॉइंट ए, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू कितना होगा इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, एंड फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, दैट इज एफ बी इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। बट दोनों फोर्स इक्वल है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है या साइन अलग अलग है। सो हम कहेंगे एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। देन अब हम आते हैं मूवमेंट ऑफ कपल पे, किस पे आते हैं मूवमेंट ऑफ कपल हमें फाइंड करना है या कपल फाइंड करना है। कपल होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन एनी बॉडी इज का फॉर्म अ कपल। अगर किसी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो वो कपल फॉर्म करता है। जैसे आप टैप को ओपन करते हो, नल को ओपन करते हो, कैसे ओपन करते हो, एक फोर्स इस तरफ एक फोर्स इस तरफ, दैट इज नोन एज अ कपल या मूवमेंट ऑफ कपल, उसे क्या कहते हैं मूवमेंट ऑफ कपल। आप की को घुमाते हो, मीन्स दो फोर्स अप्लाई करते हो, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, सो दिस इज नोन एज अ कपल और मूवमेंट ऑफ कपल। तो जब भी हम किसी चीज़ को घुमाते हैं, रोटेशनल मोशन करते हैं, तो उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, दैट फॉर्म अ कपल। जब आप सर्कुलर मोशन वाला वो डोर ओपन करते मॉल में जाते हो तो आप क्या अप्लाई करते हो, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर अप्लाई करते हो तो दैट इज फॉर्म अ कपल। तो कपल क्या होता है, या मूवमेंट ऑफ कपल को टॉर्क भी बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ कपल को क्या बोलते हैं टॉर्क। सो मूवमेंट ऑफ कपल और टॉर्क
टाउ से इंडिकेट किया जाता है, इज, क्या होता है ये, इज मैग्नेट्यूड ऑफ वन फोर्स, मैग्नेट्यूड ऑफ वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस perpendicular distance between two forces. अब हमें find करना है कपल या मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क, तो उसका फॉर्मूला क्या कहता है हमें, मैग्नेट्यूड ऑफ वन फोर्स, मैग्नेट्यूड ऑफ वन फोर्स, वन फोर्स का मैग्नेट्यूड क्या होगा, क्यू ई, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं क्योंकि ये तो क्रॉस में डिस्टेंस है, ये क्या है, क्रॉस में डिस्टेंस, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना होगा. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. क्या कंस्ट्रक्शन करोगे आप, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से, और यहाँ से इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ मिलेगा पॉइंट पी. अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा. अब इन ट्रायंगल ए बी पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इन ट्रायंगल हम वो ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यहां सॉल्व करते, ठीक है. सो इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड बी पी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए बी, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू बी पी डिवाइडेड बाय टू एल, डिवाइडेड बाय टू एल, एंड देयर फोर बी पी इज इक्वल टू टू एल साइन थीटा. ये कहां से आया, समझ में आ गया, तो इसका वैल्यू होगा, BP का वैल्यू क्या होगा, 2L साइन थीटा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो फोर्स के बीच का, इसलिए हमने साइन थीटा वाला वैल्यू फाइंड किया. और ये साइड होगा कॉस थीटा, उसका हमें लेना देना नहीं है, हमें क्या चाहिए, दो फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इस फोर्स को मैंने पीछे से एक्सटेंड किया, इसको लाइन को नीचे तक एक्सटेंड किया, तो ये मुझे मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अब हम टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू या मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू मैग्नेट्यूड ऑफ वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है. सो अब टॉर्क को हम टाउ से इंडिकेट करते हैं, मैग्नेट्यूड ऑफ वन फोर्स कितना है, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर बिटवीन टू फोर्सेस बी पी, बट बी पी का वैल्यू हमने फाइंड किया, बी पी इज इक्वल टू टू एल साइन थीटा, वो पुट करो, टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई इंटू टू एल साइन थीटा. अब इसमें से एक क्वांटिटी हम ले लेते हैं अभी, क्यू इंटू टू एल एक साथ ले लेते हैं, ई साइन थीटा. इससे पहले हमारा टॉपिक हो गया था Q इंटू टू एल, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, याद करो पीछे वाला टॉपिक, कपल के पहले वाला टॉपिक, डायपोल मोमेंट, करेक्ट, इसे क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट. और डायपोल मोमेंट से इंडिकेट किससे किया जाता है, P से. तो यही हमारा फॉर्मूला होगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, क्या होगा, पी ई साइन थीटा. और ये किसका फॉर्मूला है, पी ई साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है. तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड रिटन एज पी क्रॉस ई, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, पी क्रॉस ई. सो टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई का मतलब होता है पी ई साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है. सो कपल एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, उसको किससे इंडिकेट करते हैं, टाउ से, और टाउ इज नथिंग बट पी ई साइन थीटा, इसको याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया.
हमने क्या लिया, एक डाइपोल लिया, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, निगेटिव पे एंड होता है। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा निगेटिव पे, तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव पॉजिटिव, तो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होंगे। कुछ बुक में डायग्राम रॉन्ग है तो उसको करेक्ट कर लो, अगर ओल्ड वाला बुक होगा आपके पास तो उसमें डायग्राम थोड़े रॉन्ग है तो करेक्ट कर लो। तो ये एक फोर्स क्यू ई, ये अपोजिट फोर्स। अगर दो अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे तो उसको हम क्या कहते हैं, कपल। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर एक्ट कर रहे हैं बॉडी तो उसे कहते हैं कपल। कपल जैसे की या टैब को घुमाना, वो हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो हमने दो फोर्स फाइंड आउट किए, देन मूवमेंट ऑफ कपल के बारे में स्टडी किया। मूवमेंट ऑफ कपल या टॉर्क क्या कहा जाता है, वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट किया, उसके लिए कंस्ट्रक्शन किया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिला 2L साइन थीटा। देन हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कि टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेट्यूड ऑफ वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। देन हमने वैल्यू पुट किया, यहाँ 2L साइन थीटा दिया है, लेकिन क्यू इंटू 2L, ये होता है डाइपोल मोमेंट, हमने स्टडी किया था P से इंडिकेट किया जाता है, तो उसकी जगह हमने P पुट किया, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा एंड टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये क्या है, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया मोमेंट ऑफ कपल, ये IMP टॉपिक है मोमेंट ऑफ कपल, अच्छे से करना इसको, ईजी भी है डाइपोल और मोमेंट ऑफ कपल। तो यहाँ हम लेक्चर अपना स्टॉप करते हैं, थैंक यू।